Channel Sunny here. Welcome back to Sketch Build Ride. सो इन द पास्ट वीडियोज यू हैव सीन कि मैं गया मॉन्स्टर पिकअप करने के लिए. फिर हमने किया उसको सिटी में राइड, ब्रेकफास्ट किया हमने जाके कैफे पीटर डोनट्स में. हम मिले बम्बई की एक हसीन मॉडल से एंड उसके बाद हमने किया उसको थोड़ा सा राइड इधर उधर की, अच्छी सारी फोटो शूट्स. बट अब फाइनली टाइम आ गया दैट आई हैव टू गो एंड रिटर्न द मोटरसाइकिल, बिकॉज जो चीज़ आती है वो कभी ना कभी जाती है मेरे दोस्त. सो वेल वही फंडा है इस मोटरसाइकिल के साथ. द मॉन्स्टर हैज टू गो बैक नाउ, बट उससे पहले वी विल शॉप और शाइन. हम लोग शाइन पे रुकने वाले हैं एंड शाइन पे रुक के हम क्या करने वाले. वेल वहाँ पे आई है बहुत सारी मोटरसाइकिल्स टू सेल, तो हम जाके देखेंगे कि कौन कौन सी मोटरसाइकिल्स हैं वहाँ पे एंड अगर कुछ एक्साइटिंग मिलता है तो क्या पता हम थोड़ी सी राइड वाइड भी कर ले. विद दैट सेड, फटाफट आई शैल नाउ गियर अप एंड आई शैल सी यू गाइस ऑन द मोटरसाइकिल. मिलते हैं ऑन द मोटरसाइकिल, द मॉन्स्टर 796. A very few motorcycles जिन पे literally दिल आ जाता है and one of them is this here. This what you see is the BMW R90. Beauty, classic and pure Bavarian design by BMW and I have to say, just look at it. Shorts देखो, उसके बाद मैं बात करता हूँ. Everybody, so that was a crazy welcome here at Shine. And उससे ज़्यादा जो crazy welcome था वो था कि यार follower, subscribers, दोस्त मंडली मिल जाती अपनी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. किधर है जवान अपना, बिडू लोग. This is my friend here. You don't mess with the Zohan. He उसका Instagram ID है. वो उसी से जब DM करते तो मुझे याद रहते. तो जितने भी लोगों को लगता है कि मेरे को DM याद नहीं रहते, मुझे सबके याद रहते. जवान why you here? पहले तो अपना असली नाम बता दे. मेरा नाम प्रिंस दास है एंड आई एम हियर फॉर सेरामिक कोट फॉर माय स्विफ्ट. सो ही इज हियर एट शाइन फॉर द सेरामिक कोट ऑन हिज स्विफ्ट. ऑलराइट, तो मैं शाइन पे जब भी पहले भी आया हूँ मैंने बोला कि इट्स नॉट जस्ट फॉर सुपर बाइक्स या सुपर कार्स. कोई भी गाड़ी हो, कोई भी बाइक हो, यू डेफिनेटली इफ यू लव इट यू वुड वॉन्ट टू प्रोटेक्ट इट एंड ही इज गॉट द सेरामिक कोटिंग डन. सो वील लुक एट द कार फर्स्ट, फिर हम बात करते हैं कि वॉट मेड हिम कम टू शाइन एंड कैसी लगी उसकी सर्विस. लेट्स गो एंड फाइंड आउट द कार. Now, my friend, tell me, क्यों कराया, कैसे कराया, कितने का पड़ा एंड क्या ज़रूरत है उसको कराने की. सेरामिक कोट इट्स बेसिकली फॉर मॉनसून्स, क्योंकि मॉनसून्स आने वाले हैं और आगे के जो कुछ भी होते स्क्रैचेस वगैरह छोटे मोटे, तो वो सब के प्रिवेंशन के लिए. और कितने का पड़ा लगभग. प्रफुल सर ने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया. डिस्काउंट दिया तो आप लोग भी आओगे अगर तो अच्छा डिस्काउंट मिलेगा. क्यों प्रफुल सर, किधर हो, मिलेगा ना डिस्काउंट, इधर आओ, मिलेगा ना, मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा ना. हाँ मिलेगा. तो आप बोलते हो कि सबको कराना चाहिए मॉनसून से पहले. ऑल राइट, तो हम भी करा के देखेंगे पहले, उसके बाद आपको बताएंगे. ऑल दो ये ऑब्वियसली शाइन है जहाँ पे मैं हमेशा से अपनी बाइक लेके आ रहा हूँ, तो आई एम प्रिटी श्योर की सर्विस तो भाई अच्छी ही होगी एंड क्वालिटी भी अच्छी होगी. उसके अलावा देर इज वन मोर प्रोडक्ट जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ. दैट प्रोडक्ट इज राइट हियर. भूसा नहीं है वो, उधर पे टायर प्रोटेक्टर है, उसके बारे में हम बात करेंगे.
फटाक से इसके बाद। Now as I was telling you about tire protector, well tire protector करता क्या, आपने देखा होगा lot of times people we go on rides, हम लोग ride पे जाते हैं, गाड़ी में हो जाता है puncture, चाहे वो car हो चाहे bike हो, एंड आप कुछ कर सकते हो उस टाइम पे, वेल स्टेप नहीं चेंज कर सकते हो, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में टायर प्रोटेक्टर डला हुआ हो तो आप क्या करोगे, वेल तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन डू, आप खाना खा सकते हो उस टाइम बैठ के, चिल कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टायर प्रोटेक्टर होना ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है, उसके लिए मेरा भाई मुझसे बात करेगा, आ जाओ। तो मुझे बताओ अभी कि टायर प्रोटेक्टर हम क्यों डालते हैं गाड़ी में। टायर प्रोटेक्टर एक पंक्चर सीलेंट है, द ओनली सीलेंट इन इंडिया विच हैज़ बीन टेस्टेड बाय एयर आई। इसके बाद हम वारंटी देते हैं आपको कि आपकी गाड़ी कभी भी पंक्चर नहीं होगी, कभी भी हाई स्पीड ब्लोआउट नहीं होगा, मतलब आप कभी भी राइड्स पे जाएंगे तो आपको कभी भी टायर आपका गर्म होके फटेगा नहीं। तो आपका बोलने का मतलब है कि जब टायर फटेगा नहीं तो मतलब टायर एकदम परफेक्ट रहेगा, जो यूजुअली लोगों का बोलना है कि अगर हमने टायर सीलेंट लगाया तो बेसिकली आपका टायर फट सकता है, जल्दी ख़राब होता है, बोल रहे हो कि वैसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, वॉबलिंग भी नहीं होगा, बेसिकली ये अपना जेल है, नॉट ए लिक्विड, सो इट डज नॉट हैव वॉबलिंग इश्यूज विद इन बाइक्स एंड ऑल्सो इन कार्स। सो कौन सी गाड़ी, कौन सी बाइक्स, किस में लग सकता है, किस में नहीं लग सकता है? सभी ट्यूबलेस कार्स और बाइक्स में लग सकता है। ऑलराइट, सो बहुत ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ ट्यूबलेस टायर्स के अंदर ही गाड़ियों में बाइक्स में ये लग सकता है, ट्यूब वालों में नहीं लग सकता। और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये ऊपर ये दिख रहा है यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड, पूसा पावर इज अमेजिंग। चलो अभी फटाफट मॉन्स्टर वापस करने चलते। बाय बाय, सी यू, वेलकम, सी यू, बाय बाय बाय, सी यू। Monster, finally the time has come for me to return. This is the baby monster, and all I can say is, well, the baby is really nice. I like the baby a lot, and this is something which is very, very good for someone new. All right, this is a very good motorcycle for someone new. Although इसमें fuel gauge नहीं है, but आपको ये पता चल जाता है जब fuel का reserve लगता है, which is one of the ways to basically make out that yes, fuel भरने का time आ गया. But then very attractive motorcycle, red color Ducati, obviously nothing goes wrong there. So if you're in the market to pick up a new motorcycle, get into superbikes, this is something that you can try. I think this red paint should be good enough for you to go for this motorcycle. Not so feature packed, but again a very good package for someone riding in the city. You can go hooligan, you can go relax, you can commute on this motorcycle. हाईवे पे मैंने ज़्यादा नहीं चलाया, बट व्हाट आई कैन बेसिकली से इसकी विंड ब्लास्ट आपको कंसिडरेबली लगेगी आपके शोल्डर्स पे, सो अगर आप हाई स्पीड चलाओगे तो डेफिनेटली, एंड रिलैक्स राइड करोगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। Alright everybody, so I'm here at Bavaria Motors and with me is the Monster and Monster के रखवाले here. मैंने कुछ problem तो नहीं थी ना bike में, सब एकदम चकास चका चक एकदम, no problems at all. Alright, so the time has come that I have to return this baby monster here at Ducati Bavaria Motors. Thank you so much Amit and Ducati India for giving this motorcycle. I have a lot more motorcycles coming up for you guys. धीरे धीरे मैं आपको वो सारी motorcycles दिखाने वाला हूँ. I hope Monster की सीरीज सबको पसंद आई हो, because well I tried my best to capture the essence of this motorcycle, which is effortless street brawling. You go on the street and you have a blast. That's I think the essence of this very motorcycle. I think I'll now see you guys directly in the next vlog. तब तक के लिए bye bye, take care, namaskar people, and don't forget to comment and tell me ये vlog कैसा लगा. अगर अच्छा लगा हो तो like button जरूर दबा देना and share करो. We need the family to grow. Share it with your friends. The time has come that we evolve. Sketchbull Ride 2.0. I hope सबको पसंद आ रहा हो. Bye bye. I shall see you guys in the next vlog.